हेलो माय डियर, आरके सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। और वीकली करंट अफेयर्स जो 5 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक है, आज तक का, उसमें हम आपका वेलकम करते हैं। ऐसा सुपर कलेक्शन जो आपको देगा शेयर सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में, तो क्यों ना हम उसको शुरुआत करें। और लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? अभी हाल ही में इनके निधन हुआ है, इनकी मृत्यु हो गई है। इनका संबंध कह रहे हैं, ए में है नृत्य संगीत, दूसरे में है राजनीति, सी में है सामाजिक कार्यकर्ता, डी में है अध्यापन। इनका सही आंसर है ए, नृत्य और संगीत। ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की महान संगीतकार थी। आंध्र प्रदेश में जन्मी और तमिलनाडु में इनका पालन पोषण हुआ। और यामिनी को डांसिंग वर्ल्ड की क्वीन कहा जाता है, डांसिंग वर्ल्ड की क्वीन। 1968 में इनको पद्म श्री, 2001 में पद्म भूषण और 2016 में इनको पद्म विभूषण मिला हुआ है। तो आप इसको अच्छे से जानते रहिएगा, ओके, रिमेंबर इट ऑलवेज। सेकेंड क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो इसका राइट आंसर है, पहले हम देख लेते हैं नदियां। शिप्रा ए में है, बी में गंगा, सी में गोदावरी और डी में यमुना। इसका राइट आंसर है शिप्रा नदी। शिप्रा नदी एक है जिसके किनारे उज्जैन है, जहाँ महाकालेश्वर की मंदिर है और जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो वहाँ पर है शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन नदी, उज्जैन शहर हमारा जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में चार स्थानों पर महाकुंभ लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में, तो उसमें से एक है। अभी यहाँ पर एक रिकॉर्ड बना है, यहाँ पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम बना है। यहाँ पर 1500 लोगों ने 10 मिनट तक डमरू बजाया और विश्व में सबसे ज्यादा डमरू बजाने का रिकॉर्ड कहाँ बना है? उज्जैन में बना है। इससे पहले 488 लोगों ने 2021 में न्यूयॉर्क में एक साथ डमरू बजाने का रिकॉर्ड बनाया था। 1500 डमरू और भस्म आरती की धुन पर 15 मिनट तक ये भव्य आयोजन शिप्रा नदी के किनारे हुआ था। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में बता दें, यह हर साल प्रकाशित होने वाली एक संदर्भ किताब है जिसमें विश्व कीर्तिमानों का संकलन होता है। 2000 तक इसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स कहा जाता था। यह सर्वाधिक बिकने वाली कॉपीराइट बुक के रूप में एक रिकॉर्ड बनाने वाली भी बुक है। क्या नाम है भाई उसका? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी ए में है ढाका, बी में है माले, सी में है दिल्ली और डी में है नन, कोई नहीं। तो इसकी राइट आंसर है ढाका। अब आप इसके बारे में थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में जान लीजिए। तो अभी बांग्लादेश में कू हो गया है, तख्ता पलट हो गया है वहाँ पर। अभी पांचवीं बार वहाँ पर प्रधानमंत्री बनी थी शेख हसीना, लेकिन आरक्षण को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि पूरे देश में वो बढ़ता ही चला गया, जिसकी वजह से उनको इस्तीफा देकर भारत में शरण लेनी पड़ी। ठीक है, शेख हसीना ये वहाँ की प्रधानमंत्री थी जो अब अपने यहाँ रह रही हैं। मोहम्मद यूनुस जो एक बैंकर, सोशल वर्कर और महान अर्थशास्त्री हैं, जिनको 2006 में ग्रामीण बैंक के साथ नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था, ये गरीबों के बैंकर के उपनाम से भी मशहूर हैं या गरीबों के दोस्त कहे जाते हैं। ये बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार बने हुए हैं। वेकर उस जमान ये बांग्लादेश के सेना प्रमुख हैं। तो बांग्लादेश के बारे में आप इतना जानिए। यस, बांग्लादेश जिसका ऑफिशियल नाम है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, और ये 26 मार्च 1971 को बना था। इसकी पॉपुलेशन 17.12 करोड़ है। राजधानी ढाका है, राष्ट्रगार ओमार सोनार बांग्ला है, भाषा यहाँ की बांग्ला है, करेंसी टका है, जीडीपी यहाँ की 2529 पर कैपिटा है, राष्ट्रीय फल कटहल है, राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, राष्ट्रीय पशु टाइगर है, मुख्य फसल चावल गेहूं है, दुनिया का सबसे बड़ा तट कॉक्स बाजार यहीं पर स्थित है। ये बांग्लादेश के बारे में कुछ खास बात मैंने आपको बताई है, इसको याद रखिएगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा पड़ोसी है, भारत के साथ सबसे बड़ी इसकी सीमा लगती है। और अब यहाँ पर अगर संकट आया तो भारत को थोड़ा सचेत होना पड़ेगा, ये भी आप जानते रहिएगा। तो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है और वहां पर अभी सिचुएशन क्या होगी अब आगे देखा जाएगा। ठीक है, इस पर भी आप नजर रखिएगा।
अगला कह रहे हैं क्वेश्चन है कि बिम्स्टेक में कुल कितने देश हैं? ए में है 7, बी में है 8, सी में 9, डी में 10। राइट आंसर 7 है। बिम्स्टेक का मतलब होता है बिम्स्टेक, जो बंगाल की खाड़ी के स्थित जो देश हैं उन्हीं को बिम्स्टेक कहा जाता है। उन्हीं के माने डेवलपमेंट के लिए इसको बनाया गया है संगठन। भारत पहले बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी नई दिल्ली में कर रहा है, इसलिए चर्चा में है। और इसका जो आयोजक है वो विदेश मंत्रालय और CII के सहयोग से किया जा रहा है। इसकी स्थापना बिम्स्टेक की 1997 में हुई थी, ठीक है, इसको भी आप रिमेम्बर रख सकते हैं। आगे है हिरोशिमा डे कब मनाते हैं? तो भाई हिरोशिमा डे आप कब मनाते हैं? इसमें ऑप्शन में है 6 अगस्त, फिर 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त। तो आइए हिरोशिमा डे हम लोग हमेशा मनाते हैं 6 अगस्त को, और नागासाकी डे मनाते हैं 9 अगस्त को, क्योंकि ये जापान के दो शहर हैं जिसमें हिरोशिमा में अमेरिका ने सबसे पहले लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया था, और नागासाकी में फैट मैन नामक एक परमाणु बम छोड़ा था जिससे दोनों शहर बर्बाद हो गए थे। अब आज तक यही दो बार ही परमाणु बम का प्रयोग भी हुआ है अमेरिका के द्वारा जापान पर। उसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। उसके अलावा देखते हैं कुछ और डेज हैं, जैसे देख लीजिए 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है। 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना हुई थी 9 अगस्त 1985 को, इस साल यूपी सरकार इसका काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह मना रही, जो साल भर चलेगा ये प्रोग्राम, और इसमें एक काकोरी सौर गाथा एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी जो हर जिले में 2 दिन रुकेगी, और इस तरह से भव्य आयोजन किया जा रहा है। 6 दिवसीय स्मरण महोत्सव मनाया जा रहा है। तो काकोरी पर आपकी बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रही यूपी सरकार, तो जानते हैं क्योंकि इसका 100वां शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। किसका? काकोरी ट्रेन एक्शन का। काकोरी एक स्टेशन है लखनऊ के पहले पड़ता है, जहाँ पर शाहजहाँपुर से लखनऊ आ रही एक ट्रेन को हमारे क्रांतिकारियों ने लूट लिया था, क्योंकि उनके पास हथियार खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, और उसमें 4 लोगों को फांसी दे दी गई थी, 2 लोगों को काला पानी हुई थी, बाकी कई लोगों को उम्र कैद और 4 साल से ज़्यादा की सजा हुई थी। ये काकोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। काकोरी लखनऊ में स्थित एक स्टेशन का नाम है छोटा सा। उसके बाद है 9 से 15 अगस्त संस्कृत मंत्रालय हर घर तिरंगा अभियान या कैंपेन चला रहा है। 22 जुलाई 2022 को आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया हर घर तिरंगा अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी के अपील से शुरू हुआ था, और तब से यह कैंपेन हर साल मनाया जाता है। तो आप भी अपने घर पर तिरंगा लगाइए और लहराइए राष्ट्र के नाम। उसके बाद है 11 अगस्त तुलसीदास जयंती मनाई जाती है आज के ही दिन, और आप जानते हैं कि तुलसीदास जी जिन्होंने श्री रामचरितमानस लिखा है, वाराणसी के गंगा नदी के किनारे अवधी भाषा में इन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की थी। यूपी सरकार ने तुलसीदास जी के जन्म स्थल चित्रकूट को, जो राजापुर गांव है, उसको डेवलप करने का विचार किया है। और उसके बाद है 10 अगस्त को तो मैंने बता ही दिया, 9 अगस्त को एक और इम्पॉर्टेंट दिन मनाया जाता है जिसको कहते हैं विश्व मूल निवासी दिवस। यूएन द्वारा 1944 से मनाया जा रहा है। 40 देशों में 43 करोड़ मूल निवासी हैं, जिसमें 25% भारत में रहते हैं। भारत के संविधान में नेटिव यानी मूल निवासी या आदिवासी शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। इन शब्दों का प्रयोग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका में किया जाता है, अपने यहाँ मूल निवासी शब्द का प्रयोग नहीं होता है। 2024 विश्व मूल निवासी दिवस की थीम है स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल्स इन वॉलेंट्री आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट। ये कुछ दिवस रहे हैं इम्पॉर्टेंट जो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। अब उसके बाद है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धदेव भट्टाचार्य का जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, किस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे? पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र। तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश, सॉरी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी कोलकाता है, जो हुगली नदी के किनारे है, जो गंगा की ही एक शाखा है, अंडरस्टैंड? तो आप इसको जानते रहिएगा। और इनका अभी निधन हो गया, ये पूर्व CPI नेता थे, और पश्चिम बंगाल में औद्योगिक क्रांति लाने का श्रेय इनको दिया जाता है। अभी हाल ही में किसको कैबिनेट सचिव बनाया गया है? तो
इसमें देखिए टीवी सोमनाथन, राजीव गौबा, किरण रिजिजू, नन। इसमें राइट आंसर है टीवी सोमनाथन, राजीव गौबा के स्थान पर। राजीव गौबा जो 30 अगस्त 2019 से 29 अगस्त 2024 तक अभी रहेंगे, ये कैबिनेट सचिव रहे हैं भारत सरकार के। अब जो है कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन बनाए गए, 2 वर्ष के लिए बनाए जा रहे हैं। दूसरा नाम इसमें था किरण रिजिजू, तो किरण रिजिजू ने अभी केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री हैं जो भारत सरकार के, इन्होंने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया है जिसका नाम है एकीकृत वक्फ वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995। यह बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना नहीं बता सकेगा। 1995 में वक्फ बोर्ड को इतना ज़्यादा अधिकार दे दिया गया था, किसी भी संपत्ति को अपना घोषित कर देता था। और बताते हैं कि रेलवे सेना के बाद अगर भारत में किसी के पास सबसे ज़्यादा जमीन है तो वो वक्फ बोर्ड के पास थी। बताते हैं उसके पास दिल्ली जैसी 3 दिल्लियां बनाई जा सकती हैं, 3 दिल्ली बसाई जा सकती है, इतनी जमीन है। ठीक है, ये था। इस पर भारत सरकार ने इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको विनियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक संशोधन ला रही है और जो देश के हित में है। उसके बाद है SBI के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो आप जानते रहे SBI जो भारत के भारतीय स्टेट बैंक जिसको कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी, दिनेश खारा के स्थान पर चेल्ला श्रीनिवासुल, जो बी में ऑप्शन है, ए में शक्तिकांत दास है, बी में चेल्ला श्रीनिवासुल है, डी सी में दिनेश खारा है, डी में नंद, तो बी वाला सही है। दिनेश खारा के स्थान पर चेल्ला श्रीनिवासुल को SBI के नए चेयरमैन बनाया गया है। यह भारत का एक प्रकार का सबसे बड़ा बैंक है। SBI में एक चेयरमैन और उसके 4 सहायक MD होते हैं। देश में इसकी 22,405 शाखाएं हैं, विदेशों में 29 देशों में 235 ब्रांच है। मार्केट कैप इसका 7.31 लाख करोड़ है। किसका? SBI का। अब यहीं पर जान लीजिए शक्तिकांत दास, ये RBI के गवर्नर हैं और अभी इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी जो जारी किया है 9वीं बार ब्याज दरों में 6.5%, माने जैसा था 6.5% ही रहेगा, जैसा था, कोई बदलाव नहीं किया है। अर्थात लोन महंगे नहीं होंगे और EMI भी नहीं बढ़ेगी। MPC यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हर 2 महीने में होती है। इसमें कुल 6 सदस्य हैं जिसमें बाहरी और RBI इत्यादि दोनों होते हैं। MPC क्या होती है? तो मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी देश के केंद्रीय बैंक के लिए काफ़ी अहम टूल होता है जिसके जरिए उस देश की फाइनेंशियल सिस्टम में मनी फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। आप मनी फ्लो जान रहे हैं कि पैसे का क्या प्रवाह है। अगर पैसा ज़्यादा मार्केट में आ रहा है तब भी दिक्कत है, कम हो जाता है तब भी दिक्कत है। तो इसी मनी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए MPC की मीटिंग की जाती है हर 2 महीने में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरनाथ गुफा कहाँ है। तो अमरनाथ गुफा आप जानते रहिए कि ए में है जम्मू कश्मीर, बी में है UP, सी में है MP, डी में छत्तीसगढ़, राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। इसको जानते रहे अमरनाथ गुफा, वही गुफा है भारत की सबसे बड़ी, ये गुफा है जहाँ पर भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को अमर होने की कथा सुनाई थी। यहीं पर लोग अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, उनका दर्शन करते हैं। अलौकिक रूप से, प्राकृतिक रूप से एक शिवलिंग का निर्माण होता है यहाँ पर और इसकी यात्रा रक्षाबंधन तक होती है। तो यहाँ चर्चा में इसलिए आया है कि एक वहीं पर है श्री बाबा बुढ़ा अमरनाथ, ये भी है जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में, जबकि अमरनाथ है वो कश्मीर के अनंतनाग जिले में। तो जो अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं वे बाबा बुढ़ा अमरनाथ की यात्रा भी करते हैं, उनके भी दर्शन करते हैं, क्योंकि उसके बगैर बाबा अमरनाथ की यात्रा को अधूरी माना जाता है, ये आप जानते रहिएगा। स्वामी बुढ़ा अमरनाथ मंदिर राजपुरा मंडी में पीर पंजाल पर्वत माला के मुख्य पट्टी के बीच में स्थित है और ये पुंछ जिले में, जबकि बाबा अमरनाथ की गुफा कहाँ है? वो अनंतनाग जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। तो महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है भाई? ए में है रेखा शर्मा, बी में है कमला हैरिस, सी में है शुभांशु शुक्ला, डी में है दलजीत सिंह चौधरी। इसका राइट आंसर ए है, रेखा शर्मा है। जानते रहिए कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र की अभी शुरुआत की है ताकि महिलाओं को साइबर अपराध के बारे में जागरूक किया जा सके।
NCW यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को भारत सरकार की एक सांविधिक निकाय है ये के द्वारा की गई थी और इसकी अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं। दूसरे हैं कमला हैरिस। तो कमला हैरिस के बारे में आप लोग जानते रहिएगा कि कमला हैरिस जो हैं ये अमेरिका के डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की आधिकारिक उम्मीदवार बनी हैं। ये अमेरिका में नवंबर में जब चुनाव होगा तो यूएस प्रेसिडेंट के आम चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के हम कमला हैरिस के बीच में सीधा मुकाबला देखने को मिला, क्योंकि वहां पर नवंबर में ही राष्ट्रपति के चुनाव होंगे इस साल। उसके बाद है शुभांशु शुक्ला। तो शुभांशु शुक्ला के बारे में जान लीजिए। शुभांशु शुक्ला जो है ये ISS, ठीक है, ISS के लिए प्राइम एस्ट्रोनेट चुने गए हैं, जबकि प्रशांत नायर को इस मिशन के लिए बैकअप के तौर पर चुने गए हैं। ISS मतलब होता है इंडियन स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, तो वहाँ पर ये चुने गए हैं। एक नाम है इसमें दलजीत सिंह चौधरी, ये BSF के नए अतिरिक्त निदेशक, मतलब अतिरिक्त महानिदेशक प्रभार का इनको कार्यभार दिया गया है, क्योंकि जो BSF के DG थे नितिन के स्थान पर इनको बनाया गया है। किसको? दलजीत सिंह चौधरी को। उसके बाद है हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, नायब सिंह सैनी, हेमंत बिश्व शर्मा, नन। तो याद रखिएगा हरियाणा के नायब सिंह सैनी जो है बी वाले यही सही है। अभी इन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की, ऐसा घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा हो गया है। और इन्होंने घोषणा क्या की है, राज्य सरकार सभी फसलों को MSP पर खरीदने की घोषणा की है। MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों को, जितनी भी राज्य सरकार पैदा की जाती है राज्य में वो सबको खरीदा जाएगा, इन्होंने ऐसी घोषणा की है, इसलिए चर्चा में हरियाणा। और हरियाणा तो आप जानते हैं कि दिल्ली से सटा हुआ, तीन तरफ दिल्ली को वही घेरे हुए है, एक तरफ दिल्ली UP में रास्ता अपना खोलती, बाकी तीन तरफ से दिल्ली को वही घेरे हुए है हरियाणा। बहुत ही इम्पोर्टेंट, हमारे बहुत तमाम खिलाड़ी जो अभी ओलंपिक मेडल जीत कर आ रहे हैं सब हरियाणा से ही रहते हैं भाई, ठीक है। महान खिलाड़ी टेनिस, जो टेनिस के महान खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविक, कह रहे हैं ये इनका संबंध किस देश से है, ये क्वेश्चन है। तो आप जानते रहिए, ए में है स्पेन, बी में है USA, सी में है सर्बिया, डी में है जर्मनी। तो सही ऑप्शन है, ये सर्बिया के महान टेनिस खिलाड़ी हैं जो गोल्डन स्लैम विनर बने हैं। तो क्या है गोल्डन स्लैम विनर? तो गोल्डन स्लैम विनर आपको बता रहे हैं, टेनिस में चारों ग्रैंड स्लैम और ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले को गोल्डन स्लैम विनर कहा जाता है, जो चारों ग्रैंड स्लैम जीत ले, ओलंपिक में भी जीत ले, गोल्ड जीत ले। अभी ये पांचवें ऐसे खिलाड़ी हैं दुनिया के जो ऐसे बने हैं। इससे पहले राफेल नडाल, सेरेना विलियम्स, राफेल नडाल जो स्पेन के हैं, सेरेना विलियम्स जो अमेरिका की हैं, आंद्रे अगासी जो अमेरिका के थे, स्टेफी ग्राफ जो जर्मनी की थी, और पांचवी ये जो हैं सर्बिया के बने हैं। इन्होंने स्पेन के कार्लोस अल्काराज को हराकर ये खिताब जीता है, ये भी आप अच्छे से रिमेम्बर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICAE का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली में, उसे भोपाल, मुंबई, कोलकाता दिया गया। जानते रहिए ICAE के बारे में बताते हैं, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट। भारत में 65 साल बाद इसका आयोजन किया गया है 2 से 7 अगस्त 2024 के बीच नई दिल्ली में, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। कहाँ किया? तो राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र में, और इसकी थीम है ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। 75 देशों के 1000 प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। यह कॉन्फ्रेंस दुनिया भर में खेती व उससे जुड़ी समस्याओं और उसके समाधान खोजने के लिए हर 3 साल में आयोजित की जाती है। क्या? ICAE। इसका 32वां संस्करण था जो अभी आयोजित किया गया नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया। लास्ट क्वेश्चन है आज का, पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो आज तक जो है 6 पदक भारत ने कुल जीते हैं, आपको इसमें थोड़ा सा बता रहे हैं। आपको पता है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अभी पेरिस में हुआ है और आज उसकी समाप्ति हो जाएगी 11 अगस्त को ही। इसमें हमारे कुल 6 मेडल आए हैं, जिसमें मनु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है,
मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों ने मिलकर के भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और स्वप्निल कसाले ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में मेंस कैटेगरी में पहली बार इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और विनेश फोगाट ये यहाँ पर अपना इनका वजन बढ़ गया, 50 केजी वाले पहलवान की श्रेणी में थी जिसकी वजह से इनको कोई मेडल नहीं दिया गया। हालांकि इनका निर्णय कह रहे हैं भाई देखो हो सकता है 13 अगस्त को, अब देखिए क्या आता है तो उसको बाद में अगली वाली वीकली करंट अफेयर्स में बताएंगे। पेरिस ओलंपिक की एक नज़र में देख लीजिए तो भारत ने 5 ब्रॉन्ज मेडल और 1 सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता है के साथ कुल 6 पदक जीतकर 71वें स्थान पर समाप्त हुआ है, मतलब अपनी पारी इसने समाप्त कर दी है। मनु भाकर सरबजोत, स्वप्निल कसाले हॉकी में एक ब्रॉन्ज मेडल आया है। अमन सहरावत जो हमारे यहाँ पहलवान रहे हैं इन्होंने भी इसको जीता है, तो कुल 6 मेडल आए हैं हमारे। ठीक, अब इसमें टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन रहे, तो चीन रहा है जो 39 गोल्ड मेडल के साथ टोटल 90 मेडल इसने जीता है। दूसरे स्थान पर USA रहा, तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, चौथे जापान और पांचवें फ्रांस, और भारत 71वें स्थान पर रहा है। ठीक है, 2028 में अमेरिका में होगा ओलंपिक का थर्टी फोर्थ एडिशन ऑफ द ओलंपिक। क्लोजिंग सेरेमनी जो आज होगी इसमें मनु और श्रीजेश थामेंगे भारत का तिरंगा, ये आप जानते रहिएगा। हमारा अभी यहाँ समाप्ति हो गया है। ठीक है, इसरो अपने 55वें स्थापना दिवस पर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 को लॉन्च करेगा। इसरो जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। 2024 में अपना 55वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ये जो EOS-08 छोड़ा जा रहा है इसका वजन 175.5 किलोग्राम है। इसका लाइफ जो है वो 1 वर्ष की है। 475 किलोमीटर ऊंचाई लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो आपदा निगरानी, पर्यावरण निगरानी, आग का पता लगाना, औद्योगिक और बिजली संयंत्र आपदा निगरानी, ज्वालामुखी आपदा का पता लगाना, SSLV-D3। इसरो 500 किलोमीटर तक के लियो में 500 किलोग्राम तक के नैनो मिनी और माइक्रो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3 विकसित किया है। ये भी आप अच्छे से रिमेम्बर रखिएगा। ISLRTC और आर्मी वेलफेयर सोसाइटी के बीच MOU पर हुआ है हस्ताक्षर। ISLRTC का मतलब है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च फॉर ट्रेनिंग सेंटर। इस विज्ञापन का लक्ष्य है कि बधिर या कम सुनने वाले छात्रों के लिए अधिक सुलभ और सहायक लर्निंग एनवायरनमेंट तैयार करना। आप जानते हैं इंडियन साइन लैंग्वेज को बढ़ावा दे रही भारत सरकार। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे सबके लिए। भारत और मालदीव में UPI शुरू करने के लिए हुआ समझौता। भारत यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस वहाँ पर शुरू कर रहा है। 1887 में ब्रिटेन के कब्जे में आया था मालदीव और 1965 में हुआ आज़ाद। इसकी राजधानी माले है, भाषा धीवेही है जो श्रीलंका के सिंघली भाषा से मिलती जुलती। एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव और सबसे बड़ा है चीन। ये भी आप अच्छे से रिमेम्बर रखिएगा इसके। और नेक्स्ट है जो आपका, भारत सरकार ने विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ विज्ञान पुरस्कार दिए जाएंगे कब, पहली बार जो अभी पहला दिवस आएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को ये दिया जाएगा। कहाँ, राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र भवन में। हर साल भारत सरकार साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशंस के क्षेत्र में 15 वैज्ञानिकों को सम्मानित करता है। 4 श्रेणी में कौन कौन, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम। जो विजेता होते हैं उनको सिलेक्शन 13 क्षेत्रों से किया जाता है। अब पुरस्कार में एक सर्टिफिकेट और मेडल दिया जाता है, कोई प्राइज मनी नहीं है इसके लिए, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। और दिनेश कार्तिक, ये साउथ अफ्रीका 20 लीग का एम्बेसडर बनाया गया है। साउथ अफ्रीका 20 लीग एक दक्षिण अफ्रीकन टूर्नामेंट है, 9 जनवरी 2025 से शुरू होगा। इस इवेंट में खेलने वाले पहले भारतीय हैं जो खेलेंगे दिनेश कार्तिक। और हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं अभी वो 3 देशों की आधिकारिक यात्रा पर थी। देश कौन से हैं, फिजी, न्यूजीलैंड, टिमोर लेस्ते। 6 दिवसीय 3 देशों की यात्रा पर थी। इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। फिजी
यहाँ के राष्ट्रपति हैं रातु विलियम मैवा लिली कटो निवेरे। अभी यहाँ के इन्होंने अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी हमारे राष्ट्रपति को यानी द्रौपदी मुर्मू जी को दिया है। 2023 में यह सम्मान मोदी जी पा चुके हैं फिजी का। और फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर मेलानेशिया में स्थित एक देश है। 1970 तक फिजी एक औपनिवेशिक था अंग्रेजों का, जिसकी राजधानी सुबा है और यहाँ के प्रधानमंत्री सितिवनी राबुका है। न्यूजीलैंड भी गई है तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, ऑकलैंड वहाँ का सबसे बड़ा शहर है। न्यूजीलैंड भी ऑस्ट्रेलिया के ठीक नीचे ही स्थित है। तिमोर लिस्ते का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान हमारे यहाँ की राष्ट्रपति को दिया गया, जिसका नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते। और वहाँ के जो राष्ट्रपति थे शोस रामोस होर्ता ने यह पुरस्कार हमारी राष्ट्रपति जी को दिया है। और उसकी राजधानी है दिल्ली। देखो दिल्ली राजधानी है तिमोर लिस्ते की और दिल्ली राजधानी है भारत की, याद रखिएगा। नई दिल्ली राजधानी है हमारे भारत देश की। तो आज के वीकली करंट अफेयर्स में यही था, और फिर समय मिलेगा तो आपको ज़रूर कुछ बताएंगे, इम्पॉर्टेंट चीज़ें, नई चीज़ें जो भी रहेगा। आप इसको एंजॉय कीजिए, खूब सीखिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए, यही मेरी शुभकामना आप सबके लिए है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे, जानकारी अच्छी मिल रही हो, तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बी हैप्पी।